तो भाई अभी ऊपर चलना है। वो हमारी रस्सी यहाँ से खोल रहे हैं हम। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसे व्लॉग। ऐसे व्लॉग्स का मतलब होता है सैयद फलक व्लॉग्स। तो माहौल अच्छा देख के मैंने तुरंत सोचा कि निकल लूँ। अभी तो मैंने जूता भी नहीं पहना, चप्पल में निकल आया हूँ मैं। मैंने सोचा कि भाई अभी पता नहीं फिर बारिश का मौसम गया कुछ ऐसा हो जाए, इससे अच्छा पहले चल के बहुत दिन से मोटर व्लॉगिंग नहीं करी है तो एक मोटर व्लॉग तो बनता है। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ देखी अपने मोटर व्लॉग में कि मुझे पता चला कि जब मैं तेज़ चलाता हूँ तो माइक में हल्का सा क्लिच आता है और जब मैं नॉर्मल चलाता हूँ तो एकदम नॉर्मल आता है। वो भाई जिन लोगों को भी लग रहा है, बहुत लोगों ने बोला मुझसे, तो भाई वो जिन लोगों को भी लग रहा है वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि एक लोकल अडेप्टर मैंने लगा के रखा है अभी, क्योंकि मेरा जो मेन माइक का अडेप्टर था वो डायरेक्ट फिट नहीं आ रहा था तो मुझे लोकल लगाना पड़ गया। अगर वो डायरेक्ट फिट आ जाता मतलब स्पेस की वजह से तो कोई इशू ना होता, ये क्लिच विच कुछ ना आता। इस वजह से हमको डायरेक्ट लगा नहीं पाया। अब जब मैंने लगाया तो उसके लोकल की वजह से जब हवा तेज़ हो जाती है तो वो हल्का सा क्लिच करता ही करता है, तो इस वजह से, बाकी कोई ऐसा बात नहीं है। मैं सोच रहा था चलते हैं कहीं वो चाय वाय पी लेते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है अब ये तीन डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जाऊं, सीधे, लेफ़्ट, राइट। चलो कैंट चलते हैं। तो भाई आ चुके हैं जनेश्वर, ये रहा जनेश्वर का मेन गेट। अभी घर वाले जब ब्लॉग देखेंगे मेरा कहेंगे अभी तुम यहाँ निकले थे, तुम यहाँ कहाँ आके जनेश्वर। वैसे पता है ये कोई इतना दूर भी नहीं है हम लोगों के लिए। पहले भाई हम लोग जब कॉलेज जाते थे ना, हम लोग कोई सारी दूरियाँ कम लगने लगी थी, मतलब फिर दूरियाँ लगती ही नहीं थी यार। तब से हम लोग को आदत पड़ गई कितनी भी दूर चले जाएँ, लेकिन अब आदत भाई यहाँ पर पानी भर गया तो पूरा एकदम खाली रहा करता था, पूरा सूखा रहता था, यहाँ पर पानी भर गया। भाई अभी यहीं पे आए और जनेश्वर पे आज मौसम बड़ा अच्छा है तो यहाँ बैठने बड़ा अच्छा लगता है, वरना सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठने में। तो अभी यहाँ आए, चाय वाय पिया भाई लोगों के साथ। ये दोस्तों की चाय है, यहीं पे आके पिया। पहले हम लोग जब कॉलेज जाते थे तो यहीं पे आके रुकते थे। भैया लोग को याद हो या ना याद हो, इनको याद नहीं, लेकिन पहले बहुत आते थे, अब तो आना ही छूट गया एकदम। भाई अब वो टाइम नहीं रह गया है, वो दोस्त नहीं रह गए हैं, कोई नहीं रहा। आदमित लोग नोएडा शायद निकल चुके हैं, नोएडा या गुड़गांव में हैं मेरे ख्याल से। और अंश से तो चलो मुलाकात होती रहती है, अंश को तो आप लोग खुद देखा करते हो, कब अधिकतर हम लोग मुलाकात करते रहते हैं। तो कभी कभार होता है कि सब अगर मिलते हैं तो मिलते हैं। आकिब बीच में था, आकिब भी आजकल नहीं मिलता है, वो आकिब अपने काम धंधे में लगा हुआ है। उसका सेक के हमें बड़ा अच्छा लगता है अपने दोस्तों में, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि कोई दोस्त है जो मतलब पहले जैसा भी था आज एकदम अलग है और खूब अच्छे से काम कर रहा है अपना, जो भी काम कर रहा है भाई, जैसा भी काम कर रहा है काम कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग ने देखा सांप? अरे बाप रे बाप भैया, सांप आप कहाँ से आए चले जा रहे हैं यार, सब तो एकदम टेंशन दे देते हैं मुझको। तो गाइज अभी अब यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हम यूज़ कर रहे हैं अपना मीडिया मॉड और गोप्रो, तो हो सकता है वीडियो क्वालिटी अब की बार आपको अच्छी दिखे। और अभी यही नई वाली टी शर्ट पहनी है, ब्रीथ ब्रीथ, और ये है पूरा मैं, और नीचे पहना है ये शूज़ वाइट वाला जो आप लोग को देखने में अच्छा लग रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये है नॉर्मल सा, चलेंगे लूलू और अभी वहाँ पे सब लोग हैं तो वहीं डायरेक्ट चलेंगे, वहीं मिलके फिर वहीं से वापस आ जाएंगे। और मीडियम ऑड यूज़ करना है तो माइक का पूरा कवर ओवर सब लगा हुआ है तो अच्छा लगेगा, मे बी आपको वॉइस अच्छी आएगी या वॉइस बढ़िया आएगी आप लोगों को। अभी चलते हैं, वो लोग फंटूरा पे हैं और वहाँ खेल रहे हैं तो डायरेक्ट वहीं चलते हैं और खुद भी खेल लेते हैं। कार्ड पड़ा हुआ है मेरे पास, अभी बॉलिंग या बैटिंग वैटिंग कुछ कर लूँगा मैं। अभी चलिए ऊपर चलते हैं। तो भाई अभी चल रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ से, लेकिन यार कभी कभी लगता है कि कोई मेरे साथ होता, कम से कम कोई मेरा भी सिनेमैटिक बना सकता, कोई मेरा सिनेमैटिक बनाने वाला नहीं और कोई हो जो साथ में टहलने घूमने चल जाता है मेरे, तो भाई बिल्कुल आइए, लेकिन खर्चा आप अपना खुद उठाएंगे, मैं नहीं उठा पाऊँगा अभी। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. तो भाई ये है पूरा फूड कोर्ट, वहाँ से डोमिनो से शुरुआत होती है, फिर वाओ मोमोज, डोनर गायरोस, शॉर्टी मोकी, स्मोकी, हॉटी स्मोकी, चिकिंग्स, वाओ पिज़्ज़ा, बहुत कुछ है। धीरे धीरे करके कैंडी एंडी सब कुछ है, फिर आगे फंटूरा और प्लेसेस बहुत हैं आपको बैठने के लिए। तो भाई पहली बार यार इधर की तरफ आया हूँ, ज़्यादातर तो बच्चों का ही है यहाँ पे, लेकिन अब की बार अंदर ये 360 ऊपर जाने वाला डांस पार्टी और ये है 360 ऊपर हाई अप। अब वो लोग भी यहीं आए, कुछ खेल वेल रहे हैं, इस पे चला जाऊँ क्या? लेकिन अभी नहीं, बाद में। मुझे क्रिकेट में ज़्यादा मज़ा आती है, इसमें नहीं। क्या कर सकता हूँ इसको भी, लेकिन कोई इशू नहीं। ये करने वाला है, इसको करने वाला है, कहाँ है अपने लोग? वालेकुम सलाम। आप तो नीचे नीचे निकल गई थी, हम तो ऊपर ऊपर देख रहे थे। मैं ऊपर देख रहा हूँ, नीचे सुनो, यही डायरेक्ट कूदा होना नीचे। तो भाई अभी ऊपर चलना है, अभी इसको ले लेके ये पूरा पहना दिया गया है और देखते हैं करते हैं। तो छोड़िए, सबसे पहले ऊपर ही जाते हैं, डायरेक्ट सबसे ऊपर जाते हैं, वहीं चला जाएगा, वहीं करा जाएगा। अब आप लोगों को दिखाते हैं। किधर चले यार भाई? थोड़ा वो बताओगे, थोड़ा आइडिया हमको बताओगे, करना है इसका भैया, थोड़ा आइडिया बताओगे इसका, क्या करना क्या है? पहले आउटर वाले कर लीजिए, आउटर बाहर बाहर, हाँ, फिर अंदर वाले करते रहिए अपने आप। ठीक, थैंक यू। तो चलिए, पहले इन्होंने बताया आउटर कर लेते हैं। फ़ोन का थोड़ा दिक्कत है, अगर गिर जाएगा तो इशू ही हो जाएगा, तो इसलिए फ़ोन अंदर रख रहा हूँ, बाद में दिखाता हूँ आपको। तो भाई ऊपर से तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रही है। नाइस यार, नाइस, बहुत ऊपर आ गया यार, ये सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही ऊपर हो गया। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। तो भाई अभी करते करते कुछ यहाँ तक आए, एक भाई हमारे मिल गए। इन्होंने अभी जस्ट बताया कि इन्होंने पुराना वाला ब्लॉग जो मेरा था लूलू का, वो हाँ, तो यही इन्होंने देख के अभी सबसे पहले आने से पहले मैंने इन्हीं से पूछा कि क्या करना है। अभी पता चला कि इन्होंने ही मेरा ब्लॉग देखा था, तब आप आए थे। तो चलिए, अब कर रहे हैं, इन्हीं की शादी कर रहे हैं, ये आगे बढ़ेंगे, हम पीछे पीछे रहेंगे। लेकिन मज़ेदार है, अच्छा लग रहा है, खतरों खिलाड़ी वाला फील आ रहा है। ये अम्मी खड़ी है, भागो, खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, भागो जल्दी जल्दी, भागो ना। अरे जब गिरोगी तो रस्सी है, भागो 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 भाई। अभी सबसे ऊपर वाले इसमें आ गए और एक हमारी छोटी बहन भी यहाँ पे बगल में खड़ी है डर के मारे, तो इनको मैं कह रहा हूँ करो, तो मान ही नहीं। अबे तो इतनी बड़ी रस्सी काहे के लिए लगाई गई है? तुम यहाँ से डायरेक्ट कूदा मारो ना। इधर इधर कहाँ जा पाओगे? और इधर से आओ, इधर से आओ, चलो चलो। तुम्हारी रस्सी यहाँ से खोल रहे हम। चलो 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 चलो। और इनके अब्बा नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, उधर इनकी अम्मा खड़े होकर देख रही हैं, हमारी अम्मा खड़ी हैं। जाओ 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 आराम जाओ। तो भाई अभी चल रहा हूँ नीचे, मैं एकदम अपोजिट ही आदमी हूँ। सबसे पहले मैंने सबसे डिफिकल्ट वाला ऊपर वाले किए हैं, अब मैं जा रहा हूँ नीचे वाले। अब मैं इधर का थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। अरे ये सब एकदम इजी है, इजी मतलब इजी। देखना ये इजी गाइस, इजी। इजी गाइस, इजी इजी। तो भाई देख सकते हैं पूरा बाल वाल एकदम बेकार, पूरा पसीना पसीना तैर हो गया है। इनको देखिए प्रधान है अपनी बिटिया को ऊपर ऊपर देख रही है, बार बार धीरे धीरे चल रही है वो। मैं उतनी देर में सब कुछ करके नीचे आ गया, मैंने हर चीज़ कर ली है। बढ़िया है लेकिन एक नंबर करने वाला है। और सबसे बड़ी भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से 250 रुपये, बस मात्र 250 रुपये में सब कुछ है। बढ़िया। आप चले जाती ना, आपके लिए भी तो था ये। नहीं जाने दिया, पैसे नहीं है वो गरीब आदमी भैया, पैसे वैसे नहीं था, चले गए एक डेढ़ सौ कुछ है। आप सुनिए, मेरा वेट जो है 105 या 102 के आसपास है। इसमें लिखा था 95, उन्होंने कहा 95 होना चाहिए, उन्होंने 95 है। कह रहा भैया कुछ हो जाएगा तो हमसे मत आना, हाँ तो भेजो हमको, कुछ होगा देखा जाएगा। अपने बच्चे हैं कहाँ? ए फातिमा इधर आओ। हम क्या? अरे तुम्हारा दांत कौन ले गया तुम्हारा? भाई यहाँ पे जितनी देर खड़े रहो अच्छा है, जिसके ऊपर वाले जेब में पैसा रखा होगा वो गिरेगा। जाए क्या इस पे भी? नहीं तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये टेडी वाला भी खेल ही लूँ, वही निकल आया। क्या बता बहुत लोग निकाल सके हैं, क्या नहीं बन पा रहा होता, कुछ नहीं है इसमें। पूरा आपका एंगल देखना पड़ता है, एंगल आपको सही लगेगा तो आ जाएगा, मतलब सही एंगल वो कैप अच्छा करेगा आ जाएगा। खेल लिया अच्छे से, अच्छा खासा खेल तो ऊपर कूद जाओ, मानी नहीं रहेगी। तो भाई जस्ट अभी होके आए हैं फंटूरा से। बेस्ट जगह है भाई, अगर आपको घूमने टहलने या कुछ भी करने आता ना, बेस्ट जगह है। और बहुत अच्छा लगा यार, यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी, वो भी हमने देखना था। कहाँ हुई है पता नहीं, किसी एरिया में हुई होगी, पता कर लेंगे। पता है मैं यहाँ पे वो क्या नाम है अभी, वो था ना गणपति जी का जो दिन चल रहा था, यहाँ पे गणपति जी की अभी स्थापना भी हुई थी। हाँ तो ये देखिए गाइस फ्रंट व्यू जो आप लोग सामने से देखते हैं, एकदम प्यारा ऐसा कुछ व्यू आता है पूरे में। बढ़िया है भाई, मज़े करने हो आ सकते हो, आराम से आओ, टहलो, घूमो, अपना याशी करो, खेलो कूदो, चले जाओ। बढ़िया जगह, खाने पीने के लिए भी सारी चीज़ें A to Z। तो भाई अभी वहाँ से जितना खेलना कूदना था सब खेल कूद लिया है। अब हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्रिकेट का और फंटूरा का एकदम अपोजिट है, ये फूड कोर्ट की तरफ है, वो फूड कोर्ट के एंडिंग पे है, कनेक्ट के बगल में है। तो बॉलिंग और क्रिकेट सब वहीं पे है, तो वहीं जा रहे हैं। तो भाई अभी खेलने जा रहे हैं क्रिकेट। अभी भाई जो भी हैं इनका नाम ये खेल रहे हैं, ये हट जाएंगे, उसके बाद खालू और हम खेलेंगे। आपकी बार पूल नहीं खेलेंगे, पूल हर बार खेलते हैं, पूल आपकी बार नहीं खेलेंगे, खालू और हम क्रिकेट खेलेंगे आपकी बार। अभी खालू खेलने जा रहे हैं, बॉल सेट हो रही है। ये देखिए स्टार बस ही कॉफ़ी का पैसा दे रही है। चले जा कॉफ़ी पियो, चलेंगे अम्मा कॉफ़ी पीने भाई, चले नहीं भैया नहीं जाना है, नहीं नहीं ठीक है, हम रात का दाल चावल खाते हैं घर में। तो भाई आप लोग चाह रहे थे ना कि फूडिंग में बैठ के भी खाना वाना खाएं, तो ये देखिए पूरा है और इतना बड़ा है भाई। फूडिंग में मैं पूरा नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि बहुत बड़ा है, उधर से ले कर पूरा वहाँ से कवर करते हुए ये पूरा आते हुए ये डोमिनोज एंडिंग है, बहुत बड़ा है और इतना मैं पूरा कवर करके नहीं दिखा सकता आप लोगों को। लेकिन हाँ ये है कि देख लीजिए बहुत लोग बैठ सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। करीब मेरे ख्याल से कितना 6500 लोगों के लिए इन्होंने सीटिंग लगाई है यहाँ पर, तो बैठ सकते हैं 6000 या 600 समथिंग ऐसे कुछ है कि इतने लोगों की सीटिंग लगाई है। तो आप आराम से आओ, खाओ पियो, सारे ब्रांड है, सारे खाने हैं, सब कुछ है। तो भाई मैंने सोचा कि भाई एक वो देख लूँ, ऐसा माउंट चाहिए था मुझे, वो माउंट कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें देख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी नहीं मिला, इसके लिए पूरा ख़रीदना पड़ रहा है। तो अराउंड 1500 समथिंग का है, अराउंड 1500 समथिंग का है, तो फिर वही ख़रीदेंगे डायरेक्ट। और ऐसे क्या है वो छोटा सा माउंट होता है, वो मिल जाएगा तो कोई इशू नहीं, मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन नहीं मिलेगा तो फिर कभी वही लेंगे। तो अभी ऑर्डर कर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे घर और थोड़ी देर बस 2 मिनट 3 मिनट जितना लगेगा बनने में बन जाए। सो गाइस अभी आ चुके हैं पार्किंग लॉट में और बहुत देर से मतलब टहलते टहलते अब होने लगा है पैर में दर्द। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और भाई सपोर्ट करिए। अच्छा आप लोग के लिए ब्लॉग बनाया है आपकी बार। भाई सबसे बढ़िया खेलने वाले मज़े ही आ गया, आज बहुत खेला, अच्छा लगा, भाई भी मिला अपना एक जो मेरा ब्लॉग देखा था पहले, बहुत अच्छा लगा। तो भाई अगर देख रहे हो थैंक यू, और चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।